नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में जो वेटनरी काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था उसके जो प्रथम चरण के अलाटमेंट है वो अलाटमेंट लेटर आ चुके हैं। अलाटमेंट लेटर हम कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, हमें कौन सी कॉलेज अलाट हुई है और कॉलेज अलाट होने के बाद में हमें क्या करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में जो आपने काउंसलिंग के वेटनरी काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था उसके जो अलाटमेंट लेटर है वो अलाटमेंट लेटर आ चुके हैं। वो अलाटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है जिस वाले पोर्टल से आपने काउंसलिंग का आवेदन फॉर्म फिल किया था। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमें प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड फेस वन अलाटमेंट बीवीएससी एंड एएच 2022, ये कुछ इस तरीके से हमें जानकारी दिख रही है। और साथ ही दोस्तों, बीवीएससी एंड एएच 2022 अलाटमेंट फेस वन इज़ अवेलेबल इन पोर्टल अकाउंट, प्लीज़ लॉग इन टू पोर्टल अकाउंट टू व्यू एंड प्रिंट। तो दोस्तों, ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना फेस वन का अलाटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो हमने आवेदन करते समय जो हमने काउंसलिंग करते समय जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किए थे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है और सिंपल से हमें लॉगिन पर क्लिक कर इसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो एक लिंक दिख रही है एनडीवी एसयू सर्विस जबलपुर ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग बीवीएससी एंड एएच बीएफएससी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी, ये वाली लिंक पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग 2022-23। तो यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ वेटनरी एंड साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए काउंसलिंग में भाग लिया था या बैचलर ऑफ फिशरीज में या एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में आपने काउंसलिंग में भाग लिया था, जिसमें भी आपने काउंसलिंग में भाग लिया था वो वाली लिंक को आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ से हमने काउंसलिंग के लिए आवेदन किया था, इसका पेमेंट किया था और जो रिसिप्ट हमें प्राप्त हुई थी वो रिसिप्ट भी यहाँ से हमने प्रिंट की थी। और साथ ही दोस्तों, यदि आपकी रिसिप्ट कहीं गुम गई, आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक कर ये रिसिप्ट भी आप अभी प्रिंट कर ले, क्योंकि यदि आपका अलाटमेंट में कोई कॉलेज आपको अलाट होती है तो उसमें जो है ये रिसिप्ट और पेमेंट रिसिप्ट की आवश्यकता आपको रहेगी। उसके बाद में एक न्यू ऑप्शन खुलकर सामने आया है प्रिंट अलाटमेंट लेटर का, तो इसको हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा प्रिंट प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर 2022-23, तो यहाँ पर हमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो जो काउंसलिंग के समय रोल नंबर दिए थे वो रोल नंबर देना है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना है और सिंपल से शो डिटेल पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे हम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर शो डिटेल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें अलाटमेंट लेटर प्राप्त होगा नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश, प्रोविजनल लेटर ऑफ सीट अलाटमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल रहेगी जिसमें एप्लीकेंट का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिशियल। उसके बाद में दोस्तों, सीट अलाटमेंट स्टेटस यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर अलाटेड कोर्स, जो भी आपको कोर्स अलाटेड हुआ है वो दिखेगा। उसके बाद में अलाटेड कॉलेज का नाम दिखेगा, कौन सी कॉलेज आपको अलाट हुई है। उसके बाद में ब्रांच दिखेगी, कौन सी ब्रांच आपको मिली है और पेमेंट सीट पर मिली है या फ्री सीट पर मिली वो दिखेगा। उसके बाद में अलाटेड सीट कैटेगरी यहाँ पर आपको दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों, स्क्रॉल कर हमें नीचे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है जिसमें निर्धारित तिथियों जैसे 28/12/2022 से 30/12/2022 अवकाश दिवस को छोड़कर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक आपको जो भी आपको कॉलेज अलाट हुई वहाँ पर उपस्थित होना है। मैं आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थियों की मूल दस्तावेज, जो भी दस्तावेज आपके मूल है वो का सत्यापन एवं इसके पश्चात आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी को समान रूप से प्रवेश शुल्क फ्री सीट रुपये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये शुल्क का भुगतान करना है एवं पेमेंट सीट जो भी दिखा रहा है वो अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं अगले चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया
में भाग नहीं ले पाएंगे। आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश लेने के पश्चात ही अभ्यर्थी स्वयं वेबसाइट पर ऑनलाइन अपग्रेडेशन विकल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तारीख दिख रही है, इस तारीख में आपको अपनी जो भी कॉलेज अलाट हुई वहाँ पर जाना है और जो भी शुल्क बताई जा रही है वो शुल्क का जो है आपको भुगतान करना रहेगा। यदि आप शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको अगले चरण के लिए बाहर कर दिया जाएगा, और यदि आप शुल्क का भुगतान करते हैं तो अगले चरण में दोस्तों आपको यदि ये कॉलेज नहीं लेना है और दूसरी कॉलेज लेना है तो उसका अपग्रेडेशन भी आप कर सकते हैं। यदि शुल्क का भुगतान नहीं करोगे तो आप अपग्रेडेशन विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अपग्रेडेशन केवल अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकता क्रम जो ऑनलाइन पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के बाद लाख हो गया है उसी प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाएगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने पर सीट का अपग्रेडेशन पीवी एंड एफटी परीक्षा 2022 के प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा भरा गया प्राथमिकता क्रम पीवी एंड एफटी परीक्षा 2022 के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार की जाएगी। अपग्रेडेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में उपस्थित दर्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। प्रवेश लेने के पूर्व ये जो साइट दिख रही है इस पर उपलब्ध प्रवेश नियमों प्रवेश शुल्क का उम्मीदवार सुखता से अध्ययन कर ले। काउंसलिंग के अंतिम चक्र में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ये कुछ भर्ती नियम हैं, ये आप पढ़ लें। और दोस्तों उसके बाद में हमें वापस स्क्रॉल कर ऊपर आना है और यहाँ पर प्रिंट क्लिक हियर टू प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। और ये जो अलाटमेंट लेटर है, ये अलाटमेंट लेटर आपको प्रिंट निकाल लेना है। अलाटमेंट प्रिंट निकालने के बाद में जो भी कॉलेज आपको अलाट हुई उस कॉलेज में जाना है और जो भी दस्तावेज आपके मूल दस्तावेज है वो लेकर साथ में जाना है। और वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन करवाने के बाद में दोस्तों आपको कॉलेज में प्रवेश दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में जो वेटनरी काउंसलिंग के जो अलाटमेंट लेटर है वो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी कॉलेज अलाट हुई है उस कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।